नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं टेली न्यूज अलर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। 2020 नए साल के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो जानिए आज की है बड़ी खबर, 2020 की पहली बड़ी खबर जानिए दोस्तों। मोदी सरकार ने 10 बड़े नियम कानून कायदे लागू किए हैं, जो कि ATM कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंकों से संबंधित है, जिसका असर आपकी जेब पर सीधा पड़ने वाला है। तो खबर अंत तक देखिए, विस्तार से देखिए दोस्तों, बड़ी अहम खबर निकल कर सामने आ रही है। तो जानिएगा 2020 में लगने वाले ये 10 बड़े नियम। साथ ही आपको बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेहतरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ी खबर अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जिंदगी में काम आने वाली कोई खबर से ना चुके। तो यहाँ पर मिलेगी आपको सिर्फ काम आने वाली खबरें। तो बता दें आपको कि आज की बड़ी खबर स्टार्ट करते हैं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 2020 की। तो दोस्तों, 2020 से EMV चिप डेबिट कार्ड मान्य होंगे और 31 दिसंबर 2019 की लास्ट तारीख थी, तो 1 जनवरी से मैग्नेटिक स्ट्राइप डेबिट कार्ड बंद होंगे। तो चिप वाले डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड अब मान्य होंगे। इनका वित्तीय लेन देन में आएगी दिक्कत और ATM मशीन से नहीं निकाल पाएंगे पैसे। तो इस तरह से ये बड़ा नियम 1 जनवरी 2020 से लागू हो गया दोस्तों, जो कि आपके पुराने ATM अब बंद हो जाएंगे। तो बता दें आपको, साथ ही खबर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को खबर मिल सके। तो बता दें आपको कि कहनों के नियम बदल गए, तो क्या होगा फ़ायदा जानिए। 22 कैरेट के नाम पर अब 22 कैरेट ही मिलेगा, तो ये नया कानून बना है। तो बता दें इसका असर हॉलमार्क होने से ग्राहकों को शुद्ध सोना मिलेगा, तो अब हॉलमार्क लगाना तय हो गया है। सही हॉलमार्क नहीं होने पर ज्वेलर को नोटिस, हॉलमार्किंग के लिए ज्वेलर्स को लेना होगा लाइसेंस। इस तरह से आपको अब शुद्ध कैरेट 22 कैरेट सोना मिलेगा 2020 से, ये बड़ा नियम है। और अगला बड़ा नियम जानिए दोस्तों, बता दें आपको कि इंश्योरेंस पॉलिसी के बदलेंगे नियम। तो आपने अगर बीमा करवा रखा है तो देखिए इस नए नियम से नुकसान क्या होगा। नई पॉलिसी का प्रीमियम महंगा होगा, रिटर्न कम होना संभव होगा। तो मैच्योरिटी पर निकासी लिमिट 33% से बढ़ाकर 60% संभव है। तो 31 दिसंबर 2019 के बाद अब 1 फरवरी 2020 से नया नियम देखिए, 1 फरवरी से बदलेंगे जीवन बीमा पॉलिसी के नियम, IRDAI के नियम नई पॉलिसी पर लागू होंगे। तो अगला बड़ा नियम बता दें आपको कि GST प्रणाली में बदलाव, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। तो इसका क्या फ़ायदा होगा जानिए, सेंट्रल GST रिटर्न प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी। और असर क्या होगा, 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा आय वालों को RTA हर महीने फाइल करना होगा, 5 करोड़ रुपये से कम आय वालों को RAT 2 और RAT 3 फाइल करना होगा। तो अगला जो कि बहुत ही बड़ा नियम, तो जानिए दोस्तों, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। तो ये बड़ी खबर और बड़ा नियम मोदी सरकार का, जो कि 1 जून 2020 से लागू होने जा रहा है। तो इसका क्या असर होगा देखिए, राशन कार्ड धारकों को मिलेगा NFSA का फायदा, किसी भी राज्य में राशन की दुकान से ले सकेंगे राशन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के तहत यह बड़ा बदलाव करने जा रही है मोदी सरकार। और बता दें आपको, तो विस्तार से देखिए दोस्तों ये खबर, आपको बताएं कि रुपए UPI अब चार्ज नहीं लगेगा। तो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्न ओवर वाली कंपनियों को बिना MDR चार्ज के रुपए कार्ड UPI QR कार्ड के जरिए भुगतान की सुविधा देनी होगी। तो यह बड़ा नियम है दोस्तों। तो बता दें आपको, खबर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी हम आपको बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी 2020 से बदलावों का नया दौर शुरू होगा। तो नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों की जेब पर असर डालने वाले कई नियम लागू हो जाएंगे। इनमें PF, बीमा, ज्वेलरी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नियम भी शामिल हैं। तो PF खुद तय कर सकेंगे स्थान, जो कंपनियां भी PF के दायरे में होगी, जहाँ 10 कर्मचारी हैं कर्मचारी ही PF का स्थान तय कर सकेंगे। पेंशन फंड से एक मुश्त निकासी संभव होगी और कर्ज रेपो रेट से जुड़े कर्ज 0.25% सस्ते होंगे। तो SBI ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25% घटाया। नई दरों का फायदा पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी रिसेट डेट भी 1 जनवरी है। और NEFT लेन देन पर शुल्क नहीं।
तो नए साल से बैंकों में NEFT के जरिए लेन देन पर शुल्क नहीं चुकाना होगा। NEFT भी अब हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे हो सकेगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम से प्रीपेड छोड़कर सभी बिलों का भुगतान किया जा सकेगा और ज्वेलरी हॉलमार्किंग अनिवार्य है, तो सोने चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में एक साल तक छूट रहेगी। ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियम 2020 से लागू है, लेकिन हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं थी, इस वजह से अब दाम भी बढ़ सकते हैं। तो बता दें आपको दोस्तों, खबर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 2020 में काम आने वाले बड़े नियम हैं। तो पैन और आधार लिंक के लिए 3 माह मिले, तो पहले 31 दिसंबर तक पैन आधार से लिंक कराना जरूरी था, लेकिन अब 1 जनवरी से पैन कार्ड मान्य नहीं होगा। अब इसके लिए मार्च 2020 तक का समय मिला है। तो इस तरह से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का समय बढ़ा दिया गया है, जो कि मार्च 2020 तक है। तो बीमा पॉलिसी प्रीमियम महंगा होगा। तो IRDA ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है, इससे प्रीमियम महंगा होगा। वहीं LIC ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म करने की घोषणा की है। डेबिट कार्ड चिप वाले कार्ड ही चलेंगे। तो 31 दिसंबर तक पुराने डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले कार्ड से बदलवाना जरूरी है। नए साल में पुराने डेबिट कार्ड से कैश नहीं निकाल पाएंगे, इसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप बेकार हो जाएगी, जिसे ATM ग्राहक का डेटा पहचानती है। तो ATM कैश निकालने के लिए OTP। तो SBI ने ATM से 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकालने के नियम बदले हैं। तो बता दें आपको कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पैसे निकालने के लिए OTP अनिवार्य होगा। और फास्ट टैग की बड़ी खबर दोस्तों, अब जरूरी वरना 2 गुना टोल। तो 15 जनवरी के बाद NH से गुजरने वाली गाड़ियों में फास्ट टैग अनिवार्य होगा। 1 करोड़ फास्ट टैग जारी हुए हैं, फास्ट टैग नहीं हुआ तो 2 गुना टोल चुकाना होगा। तो ये बड़ी खबरें दोस्तों, बड़े नियम जो कि जनवरी 2020 से लागू होने जा रहे हैं। 2020 की ये बड़ी अहम खबर जो कि आपकी सेवा में पेश की, और खबरों का सिलसिला यूं चलेगा, आपके लिए बेहतरीन खबरें लेकर आता रहेगा टेल न्यूज अलर्ट। खबर विस्तार से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली बड़ी केंद्र सरकार और कमलनाथ सरकार की बड़ी खबर के।